हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल के लिए गेमिंग थंबनेल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग थंबनेल जो कि जिन भाइयों के गेमिंग के चैनल हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो होने वाली है। दूसरे व्यूवर बिल्कुल अगर उनके गेमिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं तो वो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि छोड़ने से बेहतर है कि अभी से ही वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्या कुछ सिखाने वाले हैं गेमिंग थंबनेल के मतलब। आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक लेवल की कि आप अपने थंबनेल पे राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर कलर ग्रेडिंग में नए व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। वो क्या करते हैं, वो बैकग्राउंड भी बिल्कुल डार्क और उस पर वर्ड भी बिल्कुल डार्क लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा फिर नहीं होता। तो आपने ये कैसे करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड जिस टाइप का भी आपको मिल जाए, ये नहीं कि आपने अपने थंबनेल में डार्क बैकग्राउंड ही यूज़ करना है, बैकग्राउंड जिस टाइप का भी मिल जाए, अगर डार्क मिला है तो उस पर लाइट राइटिंग करें, और अगर लाइट बैकग्राउंड मिला है तो उस पर डार्क टेक्स्ट लिखें। यही चीज़ आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए किसी भी गेम का कोई थंबनेल, गेम का कोई फोटो वगैरह यहाँ पे उठाऊंगा और आपको सारा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे हमारे सामने पिज्जा लैब की एप्लीकेशन आ चुकी है, जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं। तो अब मैं पिज्जा लैब की एप्लीकेशन को करता हूँ जी ओपन। ये मेरे सामने इस टाइप से शो होती है ओके और कैंसिल का। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोजेक्ट पहले से है तो मैं ओके कर देता हूँ, और न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप जब न्यू ये इंस्टॉल करेंगे आपके सामने और रिक्वायरमेंट्स आएंगी, वो बहुत ही ईजी है साइन, तो वो आप इजी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये देखें न्यू टेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। और नीचे आपको मुख्तलिफ लेयर्स दी जाती है थंबनेल के लिए, लेकिन हमने एक और तरीके का थंबनेल बनाना है आज। तो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ जाता है इमेज साइज का ऑप्शन। अब ये कहता है कस्टम यूट्यूब थंबनेल का, ठीक है तो ओके। अब क्या करें, अब ये जो आपको ऊपर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपने जाना है फ्रॉम गैलरी में, तो यहाँ पे ओपन कैमरा की सारी, तो यहाँ पे डाउनलोड की आ गई है। तो ये देखें ये इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है। अब आप एक तो इसकी ये देखिए साइड कॉर्नर से पकड़ कर भी इसे स्टेबल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपको ए के साथ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें, और नीचे आपको रिलेटिव साइज़ मिल रहा है तो आप इसको 100 पूरा कर दें। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे जो आपको थ्री डॉट के नीचे ये ऑप्शन मिल रहा है, और इसको लॉक कर देना है ताकि फिर ये इधर उधर ना हो, ठीक है। अब आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ये जो ऊपर टेक्स्ट है प्लस पे क्लिक करें टेक्स्ट, और फिर ये डिलीट के साथ जो पेंसिल है इस पे क्लिक करके दोबारा इस फर्स्ट पेंसिल पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ हाउ टू प्ले, चलो हम बाद में लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया हाउ टू प्ले, हम बाद में लिखेंगे हाउ टू, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसे आपने अपने तरीके से एडजस्ट करना है। उसके बाद जाना है ए में, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फॉन्ट्स मिल जाते हैं, मेरे पास तो मखसूस फॉन्ट है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं ले आऊँ तो हाउ ईज़िली पढ़ा जा रहा है, मगर यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं इसका कोई ईसा कलर लगाऊँगा कि ये ईज़िली ही पढ़ा जाए। तो यहाँ पर मैंने इसका ये कलर लगा लिया, और आगे चलते ही चलते यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाता है, मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ इसे भी इनेबल कर देता हूँ, शेडो पे क्लिक करता हूँ इसे भी इनेबल, और ये जो आउटर ग्लो है इसको इनेबल करते ही यहाँ पे ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है। इसको आप अपनी मर्जी से स्टेबल कर सकते हैं। अब क्या लिखना है, हाउ टू, मैंने लिखना है प्ले, हाउ टू प्ले प्ले, यहाँ पे ये देखें मैंने लिख लिया हाउ टू प्ले। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्ले लिखा तो अब यहाँ पे मैं इसका कोई कलर वगैरह सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर, चलो इसका वाइट, ये देखें स्ट्रोक है, इसको मैं इनेबल करता हूँ और ये पहले से ही ब्लैक है। उसके अलावा यहाँ पे शेडो आ जाता है, शेडो इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ, और उसके बाद ये जो आउटर ग्लो है ये रेड वगैरह आप दें, या इससे अगर और कोई कलर अच्छा लगता है तो वो दे दें, बड़ा ये भी इस पर ब्लैक। तो अब यहाँ पे प्ले भी हो गया, तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, इनर शेडो पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ। ये अब आप इस टाइप का कलर के अंदर टैक्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ये देखें
मैं फॉर एग्जांपल ये दे रहा हूँ, तो अब आपने क्या करना है, इसको सेव कैसे कर सकते हैं, ये जो प्ले के सॉरी प्लस के साथ ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज और सेव टू गैलरी। जैसे ही करेंगे आपकी पिक सेव हो जाएगी।